नमस्कार दोस्तों, रेल विकी का यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टिकट अपग्रेडेशन के बारे में। अपग्रेडेशन दो प्रकार के होते हैं, एक है पेड अपग्रेडेशन, एक है फ्री अपग्रेडेशन जो रैंडमली हुआ होता है। पेड अपग्रेडेशन क्या है, आपके पास एक लोअर क्लास का टिकट है, सपोज जैसा कोई माने स्लीपर एकोमोडेशन ट्रेन के बारे में हम बात करते हैं, आपके पास स्लीपर का टिकट है, आप जब जर्नी कर रहे हैं आपको ऐसा लगा कि मैं एसी में ट्रेवल करना चाहता हूँ, तो आप उसका जो डिफरेंस ऑफ फेयर है, अगर उस क्लास में सीट अवेलेबल है तो आप टीटी के पास ऑन ड्यूटी जो भी स्टाफ है उनके पास आप जाते हैं, उनसे आप पूछते हैं, वो आपको अगर जगह है आपको जगह एकोमोडेट करते हैं, और जो आपका जो एग्जिस्टिंग ट्रेवल क्लास का जो भाड़ा था और अभी आप जिसमें ट्रेवल करेंगे उसका जो डिफरेंस ऑफ फेयर है वो कलेक्ट करते हैं, उसके बदले में वो रसीद देते हैं। ये नॉर्मल है, लेकिन इसके साथ साथ रेलवे एक और स्कीम लाई है, वो है ऑटो अपग्रेडेशन। ऑटो अपग्रेडेशन होता क्या है, ये पहले क्यों होता है ये थोड़ा सा समझ लीजिए, बहुत शॉर्ट में आपको बता रहे हैं, टेक्निकलिटीज बहुत है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि लोअर क्लास में वेटिंग लिस्ट रह जाता है, वेयर एज अपर क्लास सब में गाड़ी में सीट खाली है, तो लोअर क्लास का पैसेंजर्स को उसमें अपग्रेड करके वो लोअर क्लास की सीट्स को वैकेंट करके वेटिंग लिस्ट को क्लियर किया जाता है। फॉर एग्जांपल स्लीपर में 100 वेटिंग है, एसी थ्री टायर में 50 बर्थ खाली है, तो यहां से स्लीपर से 50 पैसेंजर्स को रैंडमली अपग्रेड किया जाता है। माइंड इट, रैंडमली अपग्रेड किया जाता है, इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है, ये रैंडमली अपग्रेड होता है, और वो जो 50 बर्थ खाली हुआ उसमें स्लीपर का वेटिंग लिस्ट पैसेंजर को एडजस्ट किया जाता है। अपग्रेडेशन ओनली फुल फेयर पेड टिकट को ही मिलता है, किसी भी कॉन्सेशन टिकट को अपग्रेडेशन नहीं मिलता है, ये चीज आप ध्यान पे रखिएगा। तत्काल टिकट, प्रीमियम तत्काल टिकट और फुल्ली पेड टिकट, यही टिकट अपग्रेड होता है। और एक बार अगर आपको अपग्रेड, कभी कभी हम लोग ये सिचुएशन फेस करते हैं कि हम तो अपग्रेडेशन मांगे नहीं, सपोज आप लोग 8 या 10 लोग एक जगह रिजर्वेशन करवा लिया स्लीपर में और आपका टिकट अपग्रेड हो गया, अपग्रेड तो हुआ वो ठीक है, लेकिन हुआ कहाँ, ये कोच में 3 वो कोच में 4, आप परेशान होते हैं, लाजमी है होना, ये कोई माने अनयूजुअल चीज नहीं है। तो अपग्रेडेशन क्यों होता है, कैसे होता है, जब आप रिक्विजिशन फॉर्म भरते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या मैनुअल हो काउंटर में हो, उसमें एक कॉलम रहता है कि आपको अपग्रेडेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर आप उसमें टिक करते हैं तो आपको अपग्रेडेशन नहीं मिलेगा, रेलवे जानते हैं कि नहीं मिलेगा। अगर आप टिक नहीं करते, उसको छोड़ देते हैं ना, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट ये मान लेते हैं कि आप अपग्रेडेशन लेंगे, और हम लोग उसी तरह से डेटा फीड होता है तो आपका टिकट अगर वैकेंट रहता है तो अपग्रेड हो जाता है। और एक मिसकॉन्सेप्शन है कि गाड़ी में ऑनबोर्ड टिकट चेकिंग स्टाफ चाहे तो अपग्रेड इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है, ऐसा नहीं है, ये चार्टिंग के समय ही होता है। अगर आपका टिकट अपग्रेड हुआ होगा तो आप देखिएगा, जब आपका फाइनल चार्टिंग होगा गाड़ी छोड़ने का 4 पहले, तभी आपके पास मैसेज आता है। और इस अगर आपका इस सिलसिले में एक बात और आपको बोल दे रहे हैं, अगर आपका पुराना जो भी बर्थ नंबर है उस पर आप पहुंचने के बाद अगर आप देखें कि और कोई बैठा है और वो भी क्लेम कर रहा है उनका सीट है, तो प्लीज़ उनसे मत लड़िए, हो सकता है आप दोनों में से किसी एक का टिकट अपग्रेड हो गया है, तुरंत आप वो कोच टीटी से मिलिए, या आपके पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन है दोनों का पेनर चेक कीजिए, उसमें आपको कारण स्टेटस में दिख जाएगा। थैंक यू। इस तरह से छोटा छोटा कन्फ्यूजन होते रहता है जो बाद में प्रॉब्लम की तरफ बढ़ता है, तो प्लीज़ ये सब का ध्यान रखिए और साथ में स्वस्थ रहिए। थैंक यू, नमस्कार।